Hello guys, welcome back to my channel Rapid Reviewer. Today we are going to review the Jungle Cruise movie. इस movie का trailer आके साल हो गया था, अब जाके मैंने ये movie देखी। चलिए शुरू करते हैं story से। कहानी शुरू होती है एक Tears of the Moon नाम के जादुई पेड़ से जो Amazon के जंगल में पाया जाता है, जिसके फूल के पत्तों में किसी भी बीमारी को ठीक करने की ताकत होती है। कुछ लोग जंगल में उसकी तलाश में आते हैं और एक एक करके मरने लगते हैं। फिर जंगल के लोग उन्हें उन पत्तों से ठीक कर देते हैं, बट वो ठीक हुए लोग उस ट्री का पता मांगते हैं। जब जंगल के लोग मना करते हैं तो उनके बीच लड़ाई होती है और जंगल के लोग उन्हें शाप देते हैं कि दे नेवर डाई एंड नेवर बी एबल टू लीव साइट ऑफ द रिवर। फिर कहानी आगे बढ़ती है डॉक्टर लिली से, वो उसके भाई के साथ उस ट्री की तलाश में निकल पड़ती है, जहां उसकी मुलाकात फ्रैंक से होती है जो एक क्रूज बोट चलाता है। अमेज़न में ट्री की तलाश में उनके साथ क्या क्या होता है, कौन कौन लोग उनके पीछे पड़े हैं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी के स्टार कास्ट में हमें नजर आएंगे ड्वेन जॉनसन एज फ्रैंक, एमिली ब्लंट एज लिली एंड जैक व्हाइट हॉल एज लिलीज ब्रदर। और भी कई सारे एक्टर्स है और हाँ, एक जैगुआर बिल्ली भी है जिसका नाम प्रोक्सिमा है। तो चलिए जानते हैं मुझे ये मूवी कैसे लगी। ये एक टिपिकल डिज्नी फिल्म है, इसमें वो सब है जो हर एक डिज्नी फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी वही VFX CGI देखने को मिलेगा जो हर डिज्नी मूवीज में देखने को मिलता है। कहानी भी अच्छी है जो आपको एंगेज करके रखेगी। मूवी में एक ट्विस्ट भी है, अगर ये मूवी थिएटर में लगी होती तो मस्त एडवेंचरस मूवी हो जाती। मुझे ये मूवी अच्छी लगी, इससे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। मैं इस मूवी को दूंगा 3 स्टार्स। अगर आप ये मूवी देखेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसे लगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल रैपिड रिव्यूअर फॉर मोर अपडेट्स।